हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। आज हम जानेंगे कैसे हम एग्ज़ाम को स्ट्रेस को हैंडल करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। पढ़ाई से डर नहीं लगता साहब, एग्ज़ाम से लगता है। अगर सच में आपको एग्ज़ाम से डर लगता है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। पहली बात, आप हर दिन पढ़ाई करें, तनाव को हराने के लिए ज़रूरी है। बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई होमवर्क अप टू डेट रखें और जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम आने पर आप बहुत हल्का महसूस करेंगे क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। वहीं अगर हम एग्ज़ाम शुरू होने के बाद ठीक एक सप्ताह पहले पढ़ेंगे तो सब कुछ पहाड़ जैसा लगेगा। दूसरी बात, आप टाइम टेबल बना सकते हैं, किस दिन आपको क्या पढ़ना है उस हिसाब से आप हर सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, मैंने अक्सर देखा है लोग एग्ज़ाम्स के समय रात रात भर पढ़ाई करते हैं, पर ऐसा करने से तो आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है आप हेल्दी भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें। आप पढ़ाई करने का यह मतलब नहीं कि आप सारा समय पढ़ते लिखते रहें। आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, कुछ खा पी कर स्ट्रेचिंग कर आप वापस पढ़ने बैठ सकते हैं। पढ़ाई करते वक्त आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें और साथ ही नोट्स बना लें। अगर आपको फिर भी एग्ज़ाम्स के समय तनाव महसूस होता है तो मेडिटेशन करें, खुद पर विश्वास रखें, साथ ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहें कि जो होगा अच्छा होगा, मैंने मेहनत की है और मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप शिद्दत से कुछ चाहेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। वो कहते हैं ना, जो अपनी मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। एट द एंड मैं बस यही कहूँगी, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर निशान। जिस तरह बार बार पत्थर पर रस्सी खींचने से निशान पड़ते हैं, उसी प्रकार मेहनत करने से मुश्किल भी आसान हो जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।